सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? मेरा ऑर्डर तो मेरे सामने ही खड़ा है। आई एम सॉरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी आंखें, आपके बाल और आपकी हाइट सब एकदम परफेक्ट है। आपको मेरी आंखें अच्छी लगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर है तुम्हारी आंखें। और सर आपको मेरे बाल भी अच्छे लगे? हाँ सच में मुझे बहुत पसंद आए आपके बाल। और एक बात बताओ, आई लाइक योर एवरीथिंग। ओह माय गॉड बेबी, फाइनली तुम मिल ही गए, माय ड्रीम बॉय। फाइनली बेबी मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? कौन सा प्यार, व्हाट? हाँ तुम्हें पता है कितने सालों से मैं अपने ड्रीम मैन का इंतजार कर रही थी। आई एम सो हैप्पी दैट आई फाउंड यू। अरे ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, थोड़ा आराम से बोलो। बेबी हम दोनों ना साथ में एक मस्ती फोटो लेते हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? देखो हम दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। मैंने ना डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड कर लिया? यही कि मैं अपने घर में बात कर रही हूँ। मुझे पक्का पता है तुम बहुत मजाक की लड़की हो, मजाक कर रही हो ना मेरे साथ। हेलो मम्मी, आपको एक गुड न्यूज दूं, आपका दामाद मिल गया है। हाँ मम्मी फाइनली मेरा ड्रीम मैन मुझे मिल गया। आप ना पापा को बता देना, और हाँ आप लोग शादी की तैयारियां भी शुरू कर दो, और जल्दी ना मैं ना घर लेकर आऊंगी आप लोगों से मिलवाने के लिए। ठीक है बाय। शादी? किसकी शादी भाई? हमारी शादी बेबी। और हाँ दक्ष और दीक्षा। अरे कौन दक्ष कौन दीक्षा, ये चल क्या रहा है? हमारे बच्चों के नाम बेबी दक्ष और दीक्षा। मुझे लग रहा है तुम ना पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। अरे गलती तो मेरी थी जो मैंने तुमसे आके बात कर ली। तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? कौन है वो चुड़ैल जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? नाम बताओ मुझे उसका, मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। और बचोगे तो तुम भी नहीं मुझसे, मुझसे शादी के वादे करके किसी और लड़की के साथ चले जाओगे। व्हाट द हेल यार, ये तुम क्या कर रही हो? लोग हमें देख रहे हैं। प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाओ, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेबी आई रियली लव यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और मैं ना तुम्हारे साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, यहीं पास में एक होटल है, वहीं पे चलते हैं। चलो एक सेकंड, वो लड़का मुझे घूर रहा है। अरे वो कहाँ घूर रहा है तुम्हें यार, वो बेचारा तो बस अपना काम कर रहा है। नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो ना मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। और एक बात बताओ, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते? तुम रुको। अरे सुनो सुनो, अरे हेलो। ओ हेलो, तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता है वो वहां पर जो लड़का खड़ा है ना, वो बॉयफ्रेंड है मेरा, तुम्हारी ना सारी हड्डियां तोड़ देगा। क्या वो हड्डियां तोड़ेगा मेरी? अरे हड्डियां तोड़ने की बात तो दूर है, वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। बेबी देखना ये 2 फुट का आदमी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। देख भाई हिम्मत की बात तो कर मत, अगर मैं अपनी वाली पे आ गया ना तो तेरा ना यहां से जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो तू अपने वाली पे आ ही जा, देखते हैं कौन किसे जाने देगा या नहीं। बेबी देखो तुम्हें चैलेंज कर रहा है ये। देख भाई मैं ना ऐसे लड़ाई झगड़े में पड़ता नहीं हूँ, फालतू में तुझे चोट लग जाएगी, बात आगे बढ़ेगी, तो तू जा यहां से, अभी छोड़ रहा हूं तेरे को। अगर अपनी माँ का बच्चा है ना तो हाथ लगा के दिखाना। बेबी अपना पानी सर के ऊपर से जा चुका है, इसको ना तुम दिखाई दो कि तुम क्या चीज हो। देख रहने दे, चला जा यहाँ से, बता रहा हूँ तेरे को। बेबी बेबी बेबी, अबे लगा ना हाथ, अब लगा ना। इतनी तेज क्यों मारा? अब आइंदा से है ना मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के मत देखियो। क्या पत्नी? हाँ ये मेरे हस्बैंड है, और ये जो कैफे है ना ये हम दोनों का है। चल क्या राय, ये सब बताएगा कोई मुझे? ये सब ना हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि अगली बार किसी भी लड़की को छेड़ने से या फिर उसमें गंदी निगाह डालने से पहले ना तुम 1000 बार सोचो। और हाँ आइंदा अगर यहाँ पर कहीं आसपास दिख गए ना मुझे तो सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। चलो अब निकलो यहाँ से। वाकई बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने इसे। हाँ चलो अब काम करते हैं।